मेडिसिन ने डलका मारा। कॉमन नेम बिटर स्वीट, प्रूवर डॉक्टर एनीमन, फेमेली सोलेनियसी फेमेली। कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्टेड टू पर्सन ऑफ फ्लेगमेटिक स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेगमेटिक स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम है स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो फ्लेगमेटिक या लिम्फेटिक टाइप का और दूसरा सेंग्विन टाइप का। तो यहाँ पे फ्लेगमेटिक स्क्रोफुलस या स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये स्क्रोफुलस या स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसी स्टेट जिसमें लेक ऑफ रेस्टिंग पावर ऑफ द टिश्यू प्रीडिस्पोजिंग टू ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फेटिज्म प्रेजेंट रहता है, प्रोननेस टू इजेमेटस इरप्शन, अल्सरेशन, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, रेस्पिरेटरी कैटारल, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ग्लैंड्स, बोन्स, जॉइंट्स, ये सब कॉमन रहता है, उसको बोला जाता है स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ट्यूबरकुलस की टेंडेंसी रहती है। रेस्टलेसनेस इरिटेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। पेशेंट लिविंग और वर्किंग इन डैम्प कोल्ड बेसमेंट और अ मिल्क डेयरी। तो ये जो पेशेंट रहता है कोल्ड बेसमेंट एरिया में रहता है, उसी से उसकी शिकायतें भी उसी के कारण आती है। आर्सेनिक नेट्रम सल्फ में भी ऐसा होता है। मेंटल जनरल्स, तो मेंटली कन्फ्यूज़न रहता है, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। किसी भी बात के लिए, किसी भी वस्तु के लिए वो राइट वर्ड फाइंड आउट नहीं कर पाता। फिजिकल जनरल्स, कैटरल रूमेटिज्म, कैटरल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, तो कैटरल रूमेटिज्म है। स्किन अफेक्शंस हैं, ब्रॉट ऑन और एग्रावेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड डैम्प रेनी वेदर से एग्रावेशन है। और सडन चेंजेस इन हॉट वेदर, हॉट कोल्ड अचानक से हॉट वेदर का बदल जाना, उससे भी हॉट टू कोल्ड वेदर चेंजेस से भी इसको एग्रावेशन है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रेस्पिरेशन बींग सप्रेस फ्रॉम कोल्ड, म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है। प्रेस्पिरेशन सप्रेस होने से भी कंप्लेंट्स आई है, कोल्ड से कंप्लेंट आई है। एनासार का मतलब क्या होता है, जनरलाइज इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूड इन सबक्यूटीनियस कनेक्टिव टिश्यू। जनरलाइज इडीमा भी बोल सकते हैं, जनरलाइज इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूड इन टू सबक्यूटीनियस कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं एनासार का। तो एनासार का कब आता है, आफ्टर एग्यू। एग्यू का मतलब होता है मलेरियल फीवर, जिसमें हीट, स्वेटिंग एंड चील स्टेज होती है। तो एग्यू के बाद, रूमेटिज्म के बाद, स्कारलेट फीवर के बाद इसको एनासार का हो जाता है। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी क्या होती है, एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ क्लियर वाटरी फ्लूइड इन एनी टिश्यू ऑफ कैविटी ऑफ बॉडी, एनी टिश्यूज और कैविटीज ऑफ बॉडी में एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो रहा है क्लियर वाटरी फ्लूइड का, उसको ड्रॉपसी बोला जाता है। तो ड्रॉपसी कब होती है, आफ्टर किसके बाद, सप्रेस स्वेट, स्वेट को सप्रेस, पसीने को सप्रेस करने के बाद, इरप्शंस का सप्रेशन करने के बाद उसको ड्रॉपसी हो जा रही है। एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड के एक्सपोजर में आने से ड्रॉपसी हो रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डायरिया, डायरिया कब हो रहा है इसको, टेकिंग कोल्ड, कोल्ड लेने से, डैम्प प्लेस में जाने से, ड्यूरिंग डैम्प, डैम्प वातावरण में रहने से। फोगी वेदर, ऐसा वेदर जिसमें जो वाटर की ड्रॉपलेट्स रहती है और नम वातावरण रहता है। चेंजेस फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर, गर्म मौसम का ठंडे मौसम में बदलने से भी इसको डायरिया हो जाता है, ऐसा ब्रायोनिया में भी होता है। यूरिनरी सिम्टम, कैटरल इस्च्यूरिया, इस्च्यूरिया क्या होता है, इस्च्यूरिया का मतलब होता है रिटेंशन और सप्रेशन ऑफ यूरिन, उसको इस्च्यूरिया बोला जाता है। इन ग्रोन अप चिल्ड्रंस विथ मिल्की यूरिन है इसमें, फ्रॉम वेडिंग विथ बेरे फिट इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में फुट रखने से भी इसको इस्च्यूरिया हो रहा है। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है। स्किन, स्किन डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा कैसी है, नरम है, मुलायम है, स्किन नाजुक है, सेंसिटिव टू कोल्ड है, लाइबल टू इरप्शन, स्पेशली आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया क्या होता है, स्किन डिसीज मार्क्ड बाय ट्रांजिएंट इरप्शन ऑफ वेट्स। तो आर्टिकेरिया को अगर जनरल समझे तो एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसमें जिसे
हाइव्स भी बोला जाता है एलर्जिक रिएक्शन जो कि फूड से हो सकती है, डेयरी प्रोडक्ट से हो सकती है, तो उसको आर्टिकेरिया। तो आर्टिकेरिया इसमें है, स्पेशली स्किन में आर्टिकेरिया हो रहा है एवरी टाइम पेशेंट टेक कोल्ड और इज लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, कोल्ड के संपर्क में जाने से आर्टिकेरिया। रेस बिफोर द मेंसेस, मेंसेस से पहले इसको आर्टिकेरिया है, बिफोर मेंसेस इसको रेसेस हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, तो ये कोनियम में होता है, और बेलाडोना ग्रेफाइटिस में भी रेस बिफोर मेंसेस। आर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, पूरी बॉडी में आर्टिकेरिया है पर फीवर नहीं है, नो फीवर। इचिंग बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, इचिंग हो रही है और स्क्रैचिंग के बाद बर्न्स हो रहा है। इसको वार्म से आराम मिलता है, इमोलेशन होता है, और कोल्ड से तकलीफ होती है, एग्रावेशन होता है। इसका डिस्चार्ज जो है, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्काल्प, स्काल्प पे थिक ब्राउन येलो कलर की पपड़ी, ठीक है, थिक ब्राउन येलो कलर की कठोर जो पपड़ी बन जाती है। तो फेस, फोरहेड, टेम्पल, स्काल्प, इस पर थिक ब्राउन येलो क्रस्ट बन जा रही है। चिन पे रेडिश बॉर्डर जिसकी रहती है, और ब्लीडिंग, जब उसको स्क्रैच किया जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। वार्ट्स हैं फ्लैसी लार्ज स्मूथ वार्ट्स हैं, फ्लैसी लार्ज स्मूथ वार्ट्स हैं ऑन फेस पे और बैक ऑफ हैंड, बैक ऑफ हैंड, फिंगर्स पे, फेस पे। कैसे वार्ट्स हैं? फ्लैसी लार्ज स्मूथ वार्ट्स हैं। वार्ट्स थूजा में भी होते हैं। मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, कोल्ड से एग्रावेशन है, कोल्ड एयर से एग्रावेशन है, कोल्ड वेट वेदर से, सप्रेस मेंस्ट्रुएशन, सप्रेस इरप्शन, स्वेट से, स्वेट सप्रेशन से भी एग्रावेशन है। एमुलेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट, मूविंग से आराम मिलता है, रस्टोक्स में भी ऐसा होता है, मोशन से आराम मिलता है, फेरम मेटेलिकम में भी ऐसा होता है। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रायटा का काली सल्फ, इनकॉम्पिटिबल विथ एस्टिक एसिड बेलाडोना लेकेसिस, शुड नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर, फॉलोज वेल कैल्केरिया, कैल्केरिया का प्रायटा लाइकोपोडियम रस्टोक्सीपिया, इसके बाद अच्छी काम करती है। सिमिलर टू मर्क्यूरियस इंटाइलिज्म, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंजेस, नाइट पेंस, टू काली सल्फ द केमिकल एनालॉगी फॉर द बेड इफेक्ट ऑफ एब्यूज ऑफ मरकरी में भी अच्छे से काम करती है।